नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक पाम एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, क्या हैं, कैसे आगे चलकर उनकी लाइफ रहने वाली है। दोस्तों, 9411848508 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एनालिसिस के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस की निश्चित फीस आपको देनी होती है, साथ साथ फ्री एनालिसिस वगैरह के लिए आप हमें मेल करते रहिए। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर मेल करिए। सप्ताह के एंड में हम किसी एक का एनालिसिस आपको करके देंगे। अगर आप लकी रहेंगे तो आपका एनालिसिस यहाँ किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सिर्फ मेल पर ही है, व्हाट्सएप पर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आइडेंटिटी बताना सही नहीं रहता है। देखिए, ये जो पाम है इसमें अगर हम माउंट्स की कंडीशंस को यहाँ देखें तो काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो दिखती है। मैं एक बार यहाँ पर पेन जो है ले लेता हूँ येलो कलर से। अगर हम यहाँ पर जुपिटर को देखें, अभी हम इसको और क्लोजली भी देखेंगे क्योंकि मैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ पर जूम इतना नहीं कर पाता हूँ। जुपिटर काफ़ी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर दिखाई देता है, जो सीधा सीधा सा इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी महिला है, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, वो काफ़ी नॉलेजेबल है और क्यूरियोसिटी जो है वो नई नई चीज़ों को जानने की वो बहुत अच्छी है। आगे बढ़ूँ और आगे देखूँ तो यहाँ पर जो माउंट हमारा जो सैटर्न का माउंट है यानी कि शनि पर्वत जो है वो हमारा ठीक कंडीशन में है, और उसके साथ जो हमारा सन का माउंट है वो भी हमारा काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और थोड़ा सा यहाँ पर बुध की तरफ खिसका हुआ जरूर कहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ खराब स्थिति में नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ जो मरकरी है वो भी काफी अच्छा है। मेन जो ग्रह हैं वो काफी अच्छे हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा की कंडीशन है वो भी काफी अच्छी है, और जो वीनस है आपका वो भी काफी अच्छा है, और जो हमारा जो मंगल का जो पोर्शन होता है, मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ, ये हमारा मंगल है, ये आपका बीच में राहु है और ये आपका मंगल का भाग है। रिस्ट भी यहाँ पर काफी अच्छी है और काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर हम ओवरऑल इनके देखें माउंट्स की कंडीशंस को तो काफी अच्छी कंडीशंस में कह सकता हूँ। साथ ही साथ जो उंगलियां हैं उन पे भी काफी लाइंस वगैरह देखने को मिल रही हैं, जो कि एक कहूंगा अच्छी कंडीशन में है, और काफी गैप जो है वो कम है उंगलियों के बीच में। तो अपनी लिमिट्स जानते हैं ये व्यक्ति, और कहीं ना कहीं अपने लिमिटेशंस में काम करना जानते हैं। सौंदर्य प्रेमी है, म्यूजिक पसंद है, क्योंकि जो फर्स्ट जुपिटर की उंगली है वो हमारी सैटर्न की तरफ डिप कर रही है, तो म्यूजिक इत्यादि पसंद है, सौंदर्य प्रेम है, नए नए जगहों पर जाना इन्हें पसंद है। तो पहली बात तो जॉब प्रोस्पेक्ट से अगर मैं देखूं, कैरियर में देखूं, तो जिस भी कैरियर को ये चूज करेंगे वह कैरियर में काफी आगे तक ये जाएंगे, और इनका जो थम है वो भी काफी यहाँ पर अच्छी विल पावर को दिखाता है, लॉजिक दिखाता है। ये देखें आप, काफी अच्छा लॉजिक ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो पहली बात तो यही है कि ये जिस भी कैरियर में जाएंगे, जिस भी कैरियर को चूज करेंगे, वो कैरियर में काफी अच्छे चलते चले जाएंगे। तो ये तो जनरल हुआ कि हमने माउंट्स की कंडीशंस को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको और आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए, हम इनकी लाइंस को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमने देखिए माउंट्स की कंडीशंस हमने देखा, तो यहाँ पर अगर हम लाइंस को एक बार देखें, कलर ले लेता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन काफी लंबी है, और पहली फिंगर यानी कि जुपिटर फिंगर और हमारी सैटर्न यानी शनि फिंगर के बीच में आकर ये स्टॉप हो रही है। साथ ही साथ जो माउंट्स की कंडीशन है वो हल्का सा मैं कहूँगा डाउन है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कहा जाता। वहाँ पर हमें एक जो है, मैं आपको एक बार लाइन ले लेता हूँ। एक बार यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सन की लाइन भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई जो है वो दे रही है, जो कि कहूंगा कि एक बहुत ही सुंदर इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ थोड़े से क्रॉसेस जो हैं वो बुध के पर्वत पे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये क्रॉसेस जो है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि ये एक
बाधा उत्पन्न करते हैं, बुद्धि में डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, इन फोकस जो है वो उतना अच्छा नहीं करते। तो ये यहाँ पर हमें रिमूव करने पड़ेंगे और इसकी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। साथ ही साथ अगर हम उनकी माइंड लाइन को देखें तो काफ़ी प्रोमिनेंट है और आगे जाके हल्की सी स्प्लिट जो है वो हो रही है, ये मैं यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये जो माइंड लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा, और ये ब्रांच इसकी यहाँ निकल रही है और वो सीधा सीधा मून की तरफ जा रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति जो है वो फॉरेन से काफ़ी कुछ कमाता है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब काम करने की बारी आती है तो डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इस ऐसे व्यक्ति को घेर लेती है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो है वो रहता है। आगे हम देखेंगे, और इसको अगर हम देखें आपकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन भी यहाँ पर ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचेस जो है वो निकल रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको ध्यान जो है रखना पड़ेगा हेल्थ की तरफ अपनी, कि हेल्थ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ता हुआ वजन जो है वो इनको दिक्कत कर सकता है। हालांकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइंस भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और अपॉर्चुनिटी की लाइंस भी यहाँ पर हैं, लेकिन एक देखें तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक जाल सा यहाँ पर बना हुआ है, जो कि वीनस पे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसी जो महिला है, वह सोचती बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी नहीं है, और काफी ज्यादा डीप थॉट्स में ये इस समय है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को एक बार देखें तो भाग्य रेखा जो है वो लहरदार चल रही है और यहाँ पर इससे मिल भी रही है, और यहाँ पर एच की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। जब एच की फॉर्मेशन आपके हैंड में आ जाती है तो आप ये मान के चलें कि आपको 32 के बाद सक्सेस मिलता है, 30, 32 और 35 के बीच में आपको सक्सेस मिलता है, और ऐसा जो सक्सेस होता है ये बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ काफी ज्यादा लाइंस हैं जुपिटर पर, जो अगेन कहूंगा कि अभी स्किल्स को थोड़ा सा और बढ़ाएं अपने तो बेहतर रहेगा। क्रॉसेस बहुत हाथ में हैं, तो ये जो क्रॉसेस हैं ये एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस हैं, और काम्स पे एक जगह फोकस ना होना ये सीधा सीधा इस चीज को दर्शाता है। और लहरदार जो आपकी भाग्य रेखा है, ये जो भाग्य रेखा आपकी है वो उतनी अच्छी परमानेंट नहीं है। एक बार और हम यहाँ पे गौर से देख लेते हैं। एक बार तो आप ध्यान रखा करिए कि लेफ्ट और राइट दोनों की भेजा करें, जब भी आप लोग भेजें और क्लियर भेजें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी सारा, एक बार मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर आप चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये देखें आप, ये जो चीजें हैं, ये क्रॉसेस जो हैंड में बन रहे हैं ना, ये अच्छी मैं कहूंगा कि इंडिकेशन यहाँ पर नहीं दे रहे। लेकिन एक चीज अच्छी है, क्रॉस बन रहा है, आपके फॉर्मेशन हो रही है क्रॉस की। ये जो क्रॉस है ये पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत इनको होने नहीं देने वाला, ये काफी अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, और इनकी जो ये फॉर्मेशन है हाथ की यहाँ पर, ये भी काफी सही है, इतनी ज्यादा डिपिंग उसमें नहीं है। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं? रेमेडी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने फोकस को बढ़ाएं। फोकस को बढ़ाने के लिए चांदी का उपयोग कर सकते हैं, चांदी शांत रखती है माइंड को, और चांदी की चेन पहन सकती हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपके हाथ में भी ऐसी है तो आप एक बार चेक करा लें, किसी से भी कराएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे से ही कराएं, और कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करें, एकाग्र करने की बहुत जरूरत है। ये जो क्रॉसेस हैंड में है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे और माइंड को आपके सेटल नहीं होने देंगे। ये देखिए कितने सारे क्रॉसेस आपके हैंड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर, वैसे तो उन्नत है आपका जो चंद्र है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घबराहट जो होती है मन में वो रहती है। तो आपकी रिस्ट अच्छी है, ये आपको आगे चलकर फायदा देगी, आपको मकान भी देगी, लेकिन एच की फॉर्मेशन है हैंड में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि एच की जो फॉर्मेशन है हैंड में ये आपको लेट सक्सेस देगी। तो दोस्तों ये हुआ एक थोड़ा सा एनालिसिस, कैसी लगी आपको वीडियो? इसकी इंग्लिश की वीडियो आपको इंग्लिश चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9411848485 नंबर आपके पास है ही, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित फीस देनी होगी सिर्फ मेल पर, बट नागर अभी 2411@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप लकी रहेंगे तभी हम आपकी सबमिट करेंगे आपके हाथ को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।